हिसाब से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। सेटलमेंट क्या होता है, आप सब लोग पढ़ चुके हो कि सेटलमेंट क्या है। तो अगर हम सेटलमेंट, पहले क्या होता था कि जो भी जो लोग थे वो लोग एक जगह पे रुक के नहीं रहते थे, हम उनको बोलते थे ना नोमैडिक पर्सन। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उनके घूमने का रीजन हुआ करता था कि पहले उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो उन लोगों को खाने की खोज में खाना, जहाँ मान लो उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू किया, फिर वहां की जो उनकी जो सराउंडिंग थी, जो एरिया था, वहां पे सारे जो भी फ्रूट्स थे या जो भी उनको वेजिटेबल्स मिलते थे वो खत्म हो गए। अगर हम एक एरिया में रह रहे हैं और वहां पे हमें पता है कि यहाँ पे एक बाग है, हम उससे सिर्फ फल तोड़ के खाते रहे, एक टाइम पे आके तो वो हमारा खाली हो जाएगा ना। तो क्या होगा, उसके बाद से हमें जाना पड़ेगा दूसरी जगह पर, हम वहां जाके दूसरी जगह पे ढूंढना शुरू करेंगे। तो ये क्या हुआ कि उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था अपने खाने के लिए। फिर उन लोगों का रहना क्या होता था कि वो लोग गुफाओं में रहा करते थे, पेड़ों में रहा करते थे। तो अगर कहीं पे क्लाइमेट अगर बहुत ज्यादा ठंड होने लगी तो उन्हें वहां से शिफ्ट करना पड़ता था, अगर बहुत गर्मी है तो वो शिफ्ट हो जाते थे जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट हो या ठंडी जगह हो जहाँ पर। तीसरा, उनके पास जो एनिमल्स हुआ करते थे उन लोगों के चारे के लिए, जो पशु चरते हैं उनको घास चाहिए होती है। तो अगर एक ही फील्ड में हम छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहां की तो सारी घास खत्म हो जाएगी, तो हमें अपने पशुओं को लेकर दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। आप लोग ये तो देखते हो कि हम शिफ्ट करते रहते हैं प्लेस को। तो इस समय क्या था कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, उनकी कोई एक सेटल लाइफ नहीं थी। फिर उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि उन्होंने बसना शुरू किया, उन्होंने ऐसी जगहें देखी कि जहां पे हम रह सके। तो कोई भी ऐसी जगह जो हमारे रहने के अनुकूल होती है, अनुकूल का मतलब होता है कि जहां पे हम कंफर्टेबल होके रह सके, जहां पे हमें हर चीज अवेलेबल हो। अगर हम अपना घर बना रहे हैं, सपोज मान लो आपको अपना एक जगह पे प्लॉट खरीदना है या घर हमें बनाना है, तो हम क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं कि भाई वहां पे रोड हो, वहां पे लाइट हो, वहां पे सीवर लाइन हो, वहां पे पानी हो, वहां का एनवायरनमेंट अच्छा हो, वहां की सराउंडिंग अच्छी हो, बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिल जाए। यानी कि हम वो सारी चीजें देखते हैं ना जो हमारी जरूरत की होती है। इसी तरीके से उन लोगों ने भी क्या किया कि ऐसी जगहों को देखना शुरू किया जहां पे उनको पानी मिल जाए। पानी से क्या होता, स्टॉप। तो वो लोग भी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा सबसे पहले क्या था, अगर वो कहीं पे भी, अब अगर मैं जो हमने अभी तक सुना, अगर उसके बेस पे हम ये कहे कि सेटलमेंट क्या हुआ, सेटलमेंट हो गया एक ऐसी जगह जहां पर हम अपना घर बना के रह सकते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है बस्तियां, कि हमने अपनी बस्तियां तैयार कर ली, हमने अपनी कॉलोनी डेवलप कर ली और हम वहां पे रहना शुरू हो गए। तो उसके लिए कोई भी जो पर्सन है वो सबसे पहले उन लोगों ने ये देखा कि वहां पर पानी का अरेंजमेंट हो, वहां पे पानी हो। तो उन लोगों ने इंडस रिवर, सिंधु नदी के पास उन्होंने जो है अपनी बस्तियां बसाई, क्योंकि वहां पे पानी था तो वहां की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी। दूसरा, उनको अपनी खेती के लिए भी वहां पे पानी मिल गया था, बिना पानी के हम कैसे अपना फार्मिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए उन लोगों ने वहां पे रहना शुरू किया। और जो इस तरीके से बसना जब उन्होंने शुरू किया तब वो क्या कहलाया उनका, सेटलमेंट। क्लियर है? अब सेटलमेंट की बात तो हो गई, फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारे सेटलमेंट होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे परमानेंट सेटलमेंट और एक होता है हमारे टेम्परेरी। हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, दोनों का मीनिंग पता है, परमानेंट और
आप देखते हो कभी हम लोग जैसे जाते हैं रास्ते में तो हम देखते हैं टेंट लगा के बंजारे लोग रह रहे होते हैं, देखा है कभी उनको? तो वो जो बंजारे हैं उनका वो जो घर है वो क्या है? वो हमारा टेम्परेरी सेटलमेंट है। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए वो लोग वहां पर है, उसके बाद वो फिर वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो टेम्परेरी हो गया। जो हमारे नोमेडिक, जो हमारे यहाँ कहे कि जो हमारे पहले टाइम के जो लोग थे, उन लोगों के जो सेटलमेंट्स होते थे वो परमानेंट नहीं होते थे, वो टेम्परेरी होते थे। कि कभी वो किसी केव में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, कभी पेड़ों में रहना शुरू कर दिया, या कभी मैदानों में चले गए, कभी पहाड़ों पे चले गए। तो उन लोगों के परमानेंट सेटलमेंट नहीं थे, उनके टेम्परेरी सेटलमेंट थे वो, कि उनको जहां पर भी सुविधा मिली उन्होंने वहां पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग जगहों पर परमानेंटली रहना शुरू किया, तब उन्होंने वहां पे अपनी जो सुविधाएं थी, उनकी जो जरूरतें थी उनको देखना शुरू किया। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर मैं अपना घर बनाऊंगी तो मैं पहले देखूंगी, अगर मुझे पता चले कि वहां वो खेतों के बीच में एक मेरे को प्लॉट सस्ता मिल रहा है बट उसके आसपास कुछ नहीं है, कोई मुझे सामान नहीं मिलेगा जरूरत का, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए स्कूल नहीं मिलेगा, कहीं मेरे को बस के लिए या रिक्शा के लिए भी मुझे 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो मैं क्या वहां पे अपना घर बनाऊंगी? नहीं ना। कि रात को पता चला कोई आके मेरे को मारती चला गया, कोई बचाने वाला भी नहीं अगर मैं चिल्लाऊंगी तो। इसलिए हम क्या देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग जो हो वो कैसी हो, कि जहाँ पे आसपास बसा हुआ हो, जहाँ आसपास लोग रहते हो, एक दूसरे की हेल्प मिले, हर जो हमारी जो नेसेसिटीज है, नेसेसिटीज का मतलब होता है जो हमारी जरूरी चीजें जो हमारी हैं, आवश्यकताएं हैं, हम उनको पूरा कर सकें। तो ये होता है हमारा परमानेंट सेटलमेंट और हमारा टेम्परेरी सेटलमेंट, कि जहाँ पर भी हम स्थायी रूप से परमानेंटली हम जब एक जगह पे रहना शुरू कर देते हैं तब वो परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है, और जहाँ पर हम कुछ टाइम पीरियड के लिए रह रहे हैं, जैसे अगर मैं जॉब करने के लिए कहीं बाहर चली जाऊँ तो मैं 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए मैं वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दूँ, तो मैं वहाँ पे अपना घर नहीं ले रही हूँ, मैं वहाँ हॉस्टल में रह रही हूँ या मैं वहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? वो मेरा टेम्परेरी सेटलमेंट कहलाएगा। लेकिन मेरा परमानेंट सेटलमेंट कहाँ होगा? वो मेरा यहीं पर ही होगा, रुड़की में ही। समझ गई थी मेरा इशारा?